कल जो आया था उस पेशेंट का। समझ सकता। हाय अरुण। हाय। अरे तुमने फिर से गाड़ी बदल दी। 3991 नाइस नंबर। हे यू आर बिट लेट। उस B27 के पेशेंट का इंटरनल टेस्ट भी है। बीपी पल्स रेट मॉनिटर करने के लिए मैंने शांता सिस्टर को बोल दिया है। कीप एन आई ऑन देम। ओके या श्योर। ओके गुड नाइट दीदी। गुड नाइट। बाय। टेक केयर। निसान बहुत ही बढ़िया गाड़ी है ना डॉक्टर करण। अरे ये सब बस दिखावा है और कुछ नहीं। आजकल के नए लड़के इस तरह का दिखावा करके डॉक्टर का रुआब दिखाते हैं। उसे देखकर लगता है क्या कि वो डॉक्टर है? देखकर तो कोई कुछ नहीं लगता। आप जो हमेशा ये कोट और टाई पहनते हैं, क्या इससे डॉक्टर वाला एटीट्यूड झलकता है? बीमारी ठीक करना सब कुछ थोड़े, डॉक्टर का एटीट्यूड भी तो होना चाहिए। नई जनरेशन है, उनकी अपनी सोच है, जाने दीजिए। फिर तो मानना पड़ेगा, तुम्हारे जैसे लोग इसे सपोर्ट करते हैं, इसीलिए वो लोग अलग ही दुनिया में जीते। हाय डॉक। हाय। अरे अरे रुको, रुकने कहा था ना। सॉरी डॉक्टर, आई एम लेट। आर यू ओके? ओके। विच फ्लोर? 6। आर यू न्यू हियर? यस डॉक्टर। विच डिपार्टमेंट? ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट। ओह, आई एम आल्सो फ्रॉम ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट। आर यू फ्रॉम इंडिया? या। यू? तमिलनाडु, मदुरई डिस्ट्रिक्ट। ओके नाइस। डॉक्टर आप तमिल में बात करते हैं? हाँ जरूर, मैंने बहुत तमिल मूवीज देखी हैं। मुझे इंग्लिश बोलनी ठीक से नहीं आती है, आप मेरी हेल्प करेंगे क्या ड्यूटी के वक्त? या श्योर। गुड इवनिंग डॉक्टर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। हाउ आर यू फीलिंग मिस्टर जॉर्ज? आई एम फाइन विद माय ओन वाइन इन माय हैंड। ओह नो नो, यू आर गोइंग टू बी ऑलराइट। वेल यू नो डॉक, आई वाज रनिंग अराउंड ऑल माय लाइफ टू बिल्ड एन एम्पायर एंड आई डिड इट, बट today you know such company is one of the largest in middle east but in the end this is my final asset. come on george, keep up the fire. aap abhi kaisa feel kar rahe hain? alhamdulillah shukwarik allah ke rehmo karam pe zinda hu abhi tak. bataiye na kya bol rahe ho? allah par rehmo karam barsa. actually mujhe bhi nahi pata. inshallah shukran. Are you new here? Yes, madam. Listen, in the coming week, there will be an assigned to in general surgery and post-operative care, you know. And Dr. Arun will explain all the tasks for you. And if you feel you need any more support, you can always approach me. And good luck. Thank you, madam. Good night. Good night. Arre! ये डॉक्टर है या मॉन बैटम की ग्रैंड डॉटर है? इतनी इंग्लिश, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया। डोंट वरी, मैं आपको सब हिंदी में समझाता हूँ। वो लोग आपकी ड्यूटी के बारे में कुछ बोल रहे थे। आपकी हिंदी तो बहुत अच्छी है। आप हिंदी में इतनी अच्छी बात कर सकते हैं, मुझे अभी पता चल रहा है। फिर भी मैं आपकी हिंदी टेस्ट करती हूँ। क्या मैं एक सवाल पूछूं? हाँ हाँ पूछो ना। चीटी के मुंह से भी छोटा मुंह वाला वो जीव कौन सा है? ये क्या है? चीटी होती है ना, चीटी, एंट, एंट। हाँ। उसके मुंह से भी छोटा मुंह वाला कौन सा जीव होता है? क्या है? चीटी के मुंह से भी छोटा किसका मुंह हो सकता है? क्या हुआ डॉक्टर? शांता सिस्टर, ये जो चीटी होती है ना, उसके मुंह से छोटा क्या होता है? क्या हो गया डॉक्टर आपको? हे भगवान। ए चिन्ना सुनो, यहाँ। जी सर। क्या मेरे एक सवाल का जवाब दे पाओगे? बोलिए ना सर। ये चीटी है ना, उसके मुंह से छोटा क्या है? मुझे नहीं पता सर। अरे बता के जाओ। काम है सर। मैं नहीं जानता सर। अरे बहुत छोटा सा सवाल है डॉक्टर, आज पूरे दिन सोचिए और कल बताइए मुझे। बाय बाय। अरे चलो। क्या पर चीटी के मुंह से छोटा क्या होता है? ए डॉक्टर, कैसा लग रहा है ये लुक? फादर इन लॉ कतर से आ रहे हैं, इसीलिए आज मैंने ये ड्रेस पहनी है। अरे क्या बात है, एकदम कॉर्पोरेट लुक है। हाँ, ज्यादा मत बोलो, वहाँ इस तरह का ड्रेस पहनने वाला मैं अकेला ही हूँ। ओह, आरती चतुर्वेदी, नीलिमा रॉय, अमेलिया, ये सब क्या है?
मानना पड़ेगा, कोई हाथ लगी है नहीं। ज्यादा उड़ मत। तुम्हें इस तरह से बुर्ज खलीफा में शादी करके फ्लैट मिलना, बीवी के साथ मजे कर पाना, मेरे जैसा एक डीसेंट जेंटलमैन तुम्हारा रूममेट होना, ये सब किस्मत वालों को मिलता है। हाँ, सबकी किस्मत ऐसी नहीं होती। ये क्या है, एक जैसी प्यार की बात है दोनों तरफ से। लगता है कोई लव का चक्कर है तेरा। इसे क्या हो गया है? कहीं ना कहीं जरूर कुछ होने वाला है, है? जरा सुन बशीर, चींटी के मुंह से छोटा क्या होता है, क्या तुम्हें पता है? है तो बताना। है? क्या 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 कहा? तू सिगरेट ही पी रहा है कि उसमें कुछ और है? जानोगी क्या दिल की हालत, तीर चला है इश्क इबादत, रंग भरे हैं जीवन में, यही होता है मोहब्बत में। तो फाइनली तुझे किसी से प्यार हो गया है? कुछ बोल नहीं सकता, लेकिन रोज की कांटों में फूल जैसी एक लड़की खिलखिलाती है तो दिल में कुछ होता है। तू इतने बड़े बड़े लोगों का इलाज करता है, फिर ये प्यार की बीमारी का इलाज करने में क्या दिक्कत? अगर एक तरीके से सोचा जाए तो थोड़ा मुश्किल है ना। एनीवे ऑल द बेस्ट यार। वैसे शादी करने के बाद जब तू प्रॉब्लम में फंसेगा ना तो मेरे दिल को थोड़ा चैन मिलेगा, समझा ना? चलता हूं। हाँ हाँ, मैं सही कह रहा हूँ, उस दिन मुझे बड़ा अजीब सा लगा। हाँ, लेकिन कोई बात नहीं, ये तो होता रहता है। गुड मॉर्निंग लक्ष्मी। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। लक्ष्मी, कल रात को मुझे नींद नहीं आई। क्या हुआ डॉक्टर, दुबई में भी मच्छर हैं क्या? नहीं नहीं, मच्छर नहीं, चींटियां, जहाँ देखो वहाँ चींटियां ही चींटियां। ऐसी बात है, जवाब मिला क्या डॉक्टर? एक्चुअली वो क्या है ना लक्ष्मी, मतलब आप हार गए ना। हाँ। चींटी के मुंह से छोटा मुंह वाला कौन सा जीव होता है? वो क्या है? चींटी के मुंह से छोटा वो जीव होता है जिसे वो खा रही होती है, अब समझे? ओह, दैट्स अ गुड वन। तुम ऐसे छोटे सवाल करोगी तो कैसे जवाब दे सकता हूँ? तो फिर एक बड़ा सवाल पूछूं क्या आपसे मैं? हाँ हाँ पूछो। तो बताइए, पहाड़ से भी ऊंचा क्या होता है? क्या? मैंने हार मान ली, तुम ही बताओ। उन पहाड़ों पर उगने वाले पेड़। पेड़? हाँ। आई गॉट समथिंग फॉर यू, मैंने कुछ सीरीज लाई है, तुम्हें बहुत पसंद आएगी ये फिल्में। ओफो, ये सब मैं देख चुकी हूँ डॉक्टर। फिर भी लक्ष्मी रख लो। नहीं चाहिए डॉक्टर, इनमें से हर फिल्म मैंने 5 बार देखी है। लक्ष्मी, आई लव टू वॉच तमिल फिल्म्स, अलेपोई दे मूवी, परुतिविरम। ओह, तमिल फिल्में होती ही ऐसी लक्ष्मी, यू नो समथिंग, यहाँ भी तमिल फिल्में होती हैं। नई फिल्म देखने चले क्या? ऐसी बात है। हाँ? तो डॉक्टर, अगर हम साथ में फिल्म देखने जाएंगे तो फिल्म पर हमारा ध्यान नहीं जाएगा, मैं अकेली चली जाती हूँ, आप रिस्क मत उठाइए। और भाई अरुण, कैसे हो यार तुम? मैं यहाँ से अपना पूरा काम खत्म करके निकलने वाला हूँ, हम तेरा क्लब में वेट करेंगे, जितनी जल्दी हो सके आ जाना। ओके ओके, मैं आ जाऊंगा, बाय। हेलो, डॉक्टर अरुण स्पीकिंग। अरुण बेटा, मैं हूँ, वेणु भाई बोल रहा हूँ। आजकल तुम्हारी कोई खबर नहीं मिल रही है, कहाँ हो? हाँ वेणु भाई, मैं थोड़ा बिजी था। कल गली के एक कमरे में बुर्ज खलीफा बिल्डिंग की चर्चा हो रही थी, हम लोगों ने तो यहाँ आकर दूर से देख लिया लेकिन पास जाने का नहीं हो पाया। बेटा तुम वहाँ हो ये बताता हूँ तो किसी को भरोसा नहीं होता, अगर तुम वहीं ठहरे हो तो मैं काम करता हूँ, 4 लोगों को लाकर मिलवा देता हूँ, कम से कम इन्हें भरोसा तो हो जाएगा, बिना ऐसा किए मैं जाऊंगा नहीं यहाँ से। मीनू भाई, अभी आप कहाँ पर हैं? अरे मैं उस बिल्डिंग के नीचे ही खड़ा हूँ बेटा,
तुम तो अभी कमरे में ही हो ना, एक काम करो सिक्योरिटी को बोल दो कम से कम हम लोग अंदर तो आ पाए। अरे विनु भाई अभी मैं हॉस्पिटल में हूँ। अरे रे रे, तो तुम यहाँ पे नहीं हो क्या? नहीं, पर आने से पहले फोन करना चाहिए था ना। ओ, अरे तो फिर ये तुम्हारी माँ ने जो भेजा है पापड़ आम के अचार इन सब का मैं क्या करूँगा बेटा? उसे विनु भाई आप रख लो और आपके कमरे में है उसे बांट दो। आप कुछ गलत मत समझना, हॉस्पिटल में ऑपरेशन है, जरा बिजी हूँ। कोई बात नहीं, डॉक्टर की तकलीफ में समझता हूँ, ठीक है ना। चलो, चलो अब क्या करें, डॉक्टर है बिजी रहता है किसी न किसी मरीज को देखने में। चलिए फिर कभी आ जाएंगे, देख लीजिएगा आप लोग। गुड मॉर्निंग दीदी। अरे माया, तुम्हारा तो कोई अता पता ही नहीं है। वैसे बिना किसी काम के तो तुम आती नहीं हो, बताओ क्या बात है? ऐसा कोई काम नहीं है, बस आपसे मिलने का मन किया तो वहाँ से फ्लाइट पकड़ के सीधे आ गई। नाइस। वैसे तुम्हारी ड्यूटी का क्या हो रहा है? फर्निशिंग चल रहा है, लाइसेंस का काम हो चुका है। दीदी आपको याद है आप उस लेडीज काउंसिलर से मिली थी? शी इज रियली हेल्पफुल। गुड मॉर्निंग दीदी। अरुण कम। हाय, दिस इज डॉक्टर अरुण कुमार माई जूनियर, और ये है माया मेरी कजिन की बेटी। बेसिकली शी इज फ्रॉम यूके, स्टार्टेड हर करियर फ्रॉम फ्रांस, नाउ इन दुबई। ओह नाइस टू मीट यू माया, आर यू अ डॉक्टर? नो, आई एम फैशन डिजाइनर। ओह वाओ, मैं पर्सनल डिजाइनर ढूंढ ही रहा था, अब माया से करवाऊंगा। अरे अरे अरे, इतना पर्सनली मत लो ना, ये देखो शी इज एंगेज्ड। पेरिस से इसका फियांसे दीपक बहुत जल्दी यहाँ आने वाला है। शाह, ये भी चांस हाथ से गया। मेरी माँ हमेशा कहती थी अगर तंदुरुस्त पोता पोती चाहिए तो अच्छी लड़की से शादी कर लो। अब मैं क्या करूँ, फ्रांस के लड़कों ने मुझे हरा दिया। अगर तुम्हें चाहिए तो मैं तुम्हें एक ऑफर देती हूँ। माया जो बुटीक ओपन करने वाली है उसके लिए अगर तुम कस्टमर लाकर देते हो ना, उसमें से एक अच्छी हाइट वाली लड़की तुम्हें सिलेक्ट करके दूँ। फाइन, इतना काफी है। दीदी आपने कहा तो मुझे मानना ही पड़ेगा। सो ऑल द बेस्ट माया, बाय दीदी, सी यू। सी यू, बाय। हेलो हेलो, क्या हुआ? क्या हुआ मतलब, ड्यूटी के टाइम पर गाना सुन रही हो? फोन आया था, सुनाई नहीं दिया? सॉरी सिस्टर। 7B के पेशेंट को मेडिकेशन दिया? यस सिस्टर, करेक्ट टाइम पर मैंने दे दिया। क्या हुआ सिस्टर? नहीं, ड्यूटी के वक्त गाना सुनना, चॉकलेट खाना, ऐसा हुआ तो रिपोर्ट करूंगी। अरे छोड़ो ना शांता सिस्टर, वो बहुत बेचारी है। ये बेचारी बेचारी कुछ नहीं है। बेचारी नहीं है। सॉरी, ये मेरा लंच है डॉक्टर, फिनिश कर लूँ क्या? फिनिश योर लंच। उस सिस्टर का नाम है शांता माँ, जब देखो तब मुझ पर चिल्लाती ही रहती है, गुस्से में रहती है। ये शांता सिस्टर है ना, वो थोड़ी इगोइस्टिक है। डॉक्टर, एक तरह से सर के बाल और ईगो का संबंध है, आप जानते हैं? उन दोनों में क्या संबंध है? तिरुपति पलनी के मंदिर में बालों को क्यों निकालते हैं? और पैसे भी तो देते हैं ना? वो ऐसा कर रहे हैं क्योंकि उनकी श्रद्धा है, और क्या है? सर के बाल फॉल्स आइडेंटिटी है, ईगो भी ऐसा ही है। अगर दोनों को निकाल दिया जाए तो सर पर कोई बोझ नहीं रहेगा। ओह, तुम्हें कैसे पता ये फिलोसफी? ये बात मेरे बड़े पापा ने बताई। एक चीज आपने देखी डॉक्टर, आपके अंदर भी बाल जैसा ही ईगो है, हालांकि बहुत कम है। अरे बाबा, पता है तुम लक्ष्मी नहीं हो, सरस्वती हो। हेलो। कारे बेटी, हेलो बोलने में भी तकलीफ होती है, महारानी हो क्या? फोन करती हूँ तो उठाती नहीं हो, वापस कॉल नहीं करती हो। जाने दो, पैसों का क्या हुआ? लक्ष्मी नाम रखा है तुम्हारा तो उसके तरह बर्ताव तो करो। सुनो, जल्दी से जल्दी पैसे भिजवा दो। ऐसा क्यों बोल रही हो? क्या हुआ? कुछ नहीं माँ। अरे तू दुबई नौकरी करने गई तो हमने सोचा कि वहाँ आएंगे, ऊँट की सवारी करेंगे, और तू है कि ठीक है तनख्वाह का पैसा जल्दी भेजो, मुझे हॉस्पिटल बनाना है, अगर नहीं बना पाई तो गले में रस्सी डालकर आत्महत्या कर लूँगी। सबसे मैंने कहा है कि मैं हॉस्पिटल बना के दूंगी, नहीं बना पाई तो सबको क्या मुँह दिखाऊंगी मैं, और नहीं तो क्या माँ, मैं यहाँ माँ। एनी प्रॉब्लम? ये मेरा पर्सनल मैटर है, बेहतर होगा आप इसमें ना पड़े, प्लीज डॉक्टर।
सॉरी, आई वॉज जस्ट सॉरी। सॉरी। नो इट्स ओके। तुम्हारे गांव में कोई परेशानी है क्या? ऐसी कोई बात नहीं है डॉक्टर। अगर तुम कंफर्टेबल नहीं हो तो मत बताओ। मेरी माँ से बात हो रही थी। जब मेरे पिताजी बीमार थे तब हमारे गांव में हॉस्पिटल फैसिलिटी ना होने की वजह से वो मर गए। उस वजह से किसी भी हाल में मुझे डॉक्टर बनकर उस गाँव में हॉस्पिटल बनवाना है, यही मेरा एम है। लक्ष्मी सरस्वती बन जाए ऐसा तो नहीं हो सकता ना, इसीलिए मैं डॉक्टर नहीं बन पाई, मैं नर्स बन गई। गांव में हॉस्पिटल बनवाने के लिए पैसे चाहिए ना, इसी वजह से मैं दुबई आई थी। इसीलिए माँ हमेशा फोन करके पैसों की बातें करती रहती हैं। ठीक है, वो सब छोड़िए डॉक्टर, आप मुझसे कुछ कहने वाले थे ना? वो तुम्हारी आंखें जब से देखी है ना, आप यही कहना चाहते हैं ना कि जब से आपने मेरी आंखें देखी आपके शरीर में 440 वाट का झटका लगा और अब तक झटका लग ही रहा है। तुम बोल रही हो वैसा ही हुआ होगा। वैसे तुम्हें कैसे पता चला? हॉस्पिटल में एक नर्स से मिलने के बाद। आप जैसे स्मार्ट और यंग डॉक्टर को क्या बीमारी होगी हम नहीं जानते क्या? नो लक्ष्मी, आई रियली फील इट। ये सिर्फ मर्दों की बात नहीं है, औरतों के भी इमोशंस होते हैं, लेकिन अगर कंट्रोल नहीं किया जाए तो औरतें फंस जाती हैं। छह, व्हाट आर यू टॉकिंग, मैं बहुत सीरियस हूँ। अच्छे से सोच कर बात कीजिए। मेरे जैसी एक तमिल लड़की जो एक साधारण नर्स है, उसको आपके घर वाले एक्सेप्ट करेंगे या नहीं, इस बारे में अच्छे से सोचकर फिर मुझे बताइए। अच्छा अच्छा, मैं यहीं पर रहती हूँ, गाड़ी रोक दीजिए प्लीज। लक्ष्मी, मैंने जो कुछ भी कहा उसे 100 बार सोच कर देखिए। आज का मेरा सवाल यही है, जवाब का इंतजार रहेगा। तब तक के लिए नमस्ते। बार सोच लिया क्या आपने? 108 बार सोचा है।
चलो आ जाओ हाँ चलो जल्दी करो। अरे सुनो सुनो, दैट्स माय कार सर, प्लीज स्टॉप स्टॉप प्लीज सर, प्लीज दैट्स माय कार, प्लीज स्टॉप सर, सर दैट्स माय कार। आपकी सीरियसली, ये कार आपने लोन पर ली थी? यस। और आपने लोन नहीं भरा, इसीलिए आपकी कार ले जा रहे हैं सर। वी आर सॉरी, आप चाहे तो बैंक के क्रेडिट डिपार्टमेंट से बात कर सकते हैं।
But sir, listen to me. Sir. अभी आपको किया, यारिस, लैंसर, क्वेटा, सीडान, निसान ऐसी गाड़ियां यहाँ पर आपको मिल जाएंगी भाई, लेकिन वो नई नहीं होंगी। मेरे साथ आइए, देखिए ये बहुत प्यारी गाड़ी है, 2-सीटर ऑडी। आपके पास जो गाड़ी थी ये उससे अच्छी गाड़ी है। पैसा ज्यादा लगेगा, फर्स्ट मॉडल है ये। ठीक है, ये चलेगा। अच्छा सुनो, तुम डॉक्टर से बात कर लो, पैसे की बात हो गई है ना, इनसे पैसे ले लेना। ले लूंगा। ये हुई ना बात? हाँ। अरे भाई आप क्या सोच रहे हो, आप अपना कार्ड इसे दे दो, ये पैसा निकाल के ले आएगा। अरे विजय चाबी देना, ये कार अब से आपकी है। पल तो अब हमें जीने दो, जीने दो। हेलो, डॉक्टर अरुण स्पीकिंग। गुड आफ्टरनून सर, दिस इज पूजा फ्रॉम स्विस ओरिएंटल बैंक। हाय पूजा, हाउ आर यू? आई एम फाइन, हाउ आर यू? आई एम ग्रेट सर। आपके लोन ड्यू के बारे में मैंने आपसे बहुत बात की लेकिन कोई फर्क नहीं हुआ, सो वी आर गोइंग टू प्रेजेंट योर सिक्योरिटी चेक टुमारो। नो नो, लिसन लिसन पूजा, आई नीड सम टाइम। सॉरी सर, आई एम हेल्पलेस। अच्छा आप अभी ऑफिस में है ना, मैं उधर आ सकता हूँ? डॉक्टर अरुण, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अरे डोंट टेल मी दैट डियर, आई एम कमिंग टू सी यू। नो नो नो, यू सेड यू वुड पे टुडे बाय 2:00 इन द आफ्टरनून, आई कैन नॉट गिव एनी मोर चांसेस। क्या तमाशा देख रहे हो, व्हाट आर यू लाफिंग एट? हैव यू चेक्ड योर ब्लड प्रेशर रिसेंटली? आई एम श्योर इट्स ऑन द हायर साइड। What to do? This is my job. Heartless job. Yes, it is. Listen, I'm not asking for longer period. I need at least 6 more months. No way. I don't want to waste my time. It's time to go. Okay, cool. Put me in jail. I'll wait for that. All right. I'll give you 3 whole months. But don't ask for more. Okay? Okay. What a pretty hand. This is your lifeline. And it says, you're gonna have coffee with me today. Chal rahi ho? No, thank you. Okay. Done with your work? Yeah. I can drop you home. आप एक डॉक्टर है ना? Then why don't you just don't maintain a minimum financial discipline? Good question. Even I was thinking about it. आज थर्सडे है ना? हाँ। अगले रविवार से जरूर डिसिप्लिन शुरू करूंगा। मजाक मत करो, जिंदगी को थोड़ा सा तो सीरियसली ले लो। लेकिन वो जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। Somebody should be there to control you. जल्दी शादी कर लो। करूंगा, एकदम फाइनेंशियल मैनेजर से ही करूंगा। होप यू नॉट मैरिड। पहले लोन तो क्लोज करो। आई डोंट वांट टू मैरी अ जेंटलमैन हु इज रेडी टू गो टू जेल एट एनी टाइम। ओके, कोशिश करूंगा। या एक्सक्यूज मी सर, या योर बिल। थैंक यू सर। थैंक्स। Now I know where all your money is going. ये क्या कर रहे हो? हटो। डॉक्टर। ओह, थैंक यू। कोई खास बात? मेरी बहन MBBS पास हो गई। कोची में अमृता मेडिकल कॉलेज में इस साल की टॉपर है। Is it? Good news. Congrats. पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद गायनोकोलॉजी करे या पीडिया, वो इस बात को लेकर कंफ्यूज थी। वैसे डॉक्टर आपकी राय क्या? अरे ये सब उनकी मर्जी पे छोड़ देना। प्रपोजल तो आजकल उसे बहुत आ रहे हैं, लेकिन उसे सेम फील्ड का जीवन साथी चाहिए। डॉक्टर आपने उसकी फोटो नहीं देखी है ना? नहीं। देखिए। ओहो, अच्छी लड़की है।
अरे डॉक्टर, आपने उसे पसंद कर लिया ना? पसंद क्या है, अच्छी लड़की है ना, और ऊपर से MBBS भी है। कुछ भी कहो, हम उसके लिए अच्छा लड़का ढूंढेंगे। मनोरमा में शादी.com पर या मैट्रिमोनिया से ढूंढेंगे, क्या कहती हो? बहुत अच्छी लड़की है, वो भी डॉक्टर है, शादी कर लेनी चाहिए ना। अच्छा, शांता को बुलाकर अभी हाँ कह दूँ? मार डालूंगी। सर वही है ना? क्या कहा? हाँ जी, ठीक है सर। वेनु भाई, यहाँ कैसे? क्या हुआ बेटा, तुम फोन ही नहीं उठाते? गांव में शरद भाई कैसे कितनी बार फोन किया, क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है क्या? सॉरी विनु भाई, फोन साइलेंट पर था। तुम्हारी माँ को अचानक सीने में दर्द हुआ था, छोटा सा अटैक आया था बेटा, कल उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया। अब ऐसे समय में तुम्हारा फोन नहीं उठा तो लोगों को टेंशन होगी ना। माँ भी कैसी है? एंजियोप्लास्टी किया है, फिर भी अभी ICU में है वो। बात करोगे उनसे? बात कर लो। देता हूँ, फोन पे अरुण है। माँ? हाँ? मैं अरुण बोल रहा हूँ माँ। माँ? अभी कैसी हो माँ? डरने वाली कोई बात नहीं, इतने साल हो गए तुझसे मिले हुए, पता नहीं मैं तुझसे मिल पाऊंगी कि नहीं। क्या बोल रही है? कोई बात नहीं, अगर तू बिजी है तो मत आना, मेरी तबीयत तो ठीक हो रही है, तू चिंता मत कर, मेरी देखभाल करने के लिए तेरा दोस्त शरद है ना। माँ, आओगे तुम्हें 2-3 साल तो हो ही गए ना, जरा एक बार हो आओ, अगर टिकट मिलने में कोई मुश्किल हो तो गैरेज ट्रेवल्स में गनी भाई को बोल देना। Yeah, doctor. What's up? Hi, Pooja. I have a small emergency. My mother is not keeping well. I need to go home. Dr. Arun, you know you got a travel ban. You cannot go home. I know. What to do now? Do one thing. Meet and convince our credit manager. He is the only one who can do something about it now. He is also Indian, Mr. Narayanan. I'll arrange a meeting with him. Okay. Okay. Take care. Haan, minister ki family se mila tha. अरे सबको संभालना है तो पैसा खर्च करना पड़ेगा, सूफी बिहारी को साथ ले लेंगे, बिल सब एक साथ मिलाकर उनके हाथ में दे देंगे, हाँ बुढ़ापे तक भरेगा। सॉरी डॉक्टर अरुण, बेकार सोशल नेटवर्किंग है। इट्स ऑल राइट सर। तो फिर इसका मतलब आप कहीं जा नहीं सकते, मतलब बैंक का पूरा लोन चुकाए बिना इस राज्य को छोड़कर नहीं जा सकते, अब हम क्या करेंगे? मेरी मदद कीजिए सर, मेरी माँ हॉस्पिटल में है। Close to 500,000. ये तो बहुत बड़ी रकम है डॉक्टर, तुम्हारी माँ बहुत सीरियस है क्या, उसी वजह से लोन लिया था? नहीं। आपकी फैमिली में कौन है? अभी तक शादी नहीं हुई, मैं और मेरी माँ। ओह आई सी, तो दुबई में एक अकेला जीने वाले स्मार्ट बैचलर हो। अगर हम अच्छे से सोच कर देखें तो आपकी जेब बहुत जल्द ही खाली हो जाएगी। सब मिला के कहूँ तो जैसे ही सैलरी मिलती है सारे बैंकों का ब्याज देना होता है, उसके बाद हाथ में कुछ नहीं बचता, तो फिर बात करने से कोई फायदा नहीं। क्या है कि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड इशू है, चलो मैं ट्राई करता हूँ। प्लीज सर। ठीक है, मैं आपको फोन करूंगा। वैसे आप पाला काड़ू के रहने वाले हैं ना, मैं भी बगल के गांव का हूँ, हम दोनों एक ही जगह के हैं, चलो मैं कुछ करता हूँ। ओके, थैंक यू सर। हाँ लक्ष्मी,
तुम कहाँ हो? तुम्हें पता है मुझे हेल्थ सेंटर में पोस्टिंग मिली है। ये कितना अच्छा गांव है, तुम्हें एक बार यहाँ जरूर आना चाहिए। लेट मी ट्राई, बाय। ये आपके लिए है सिस्टर। थैंक यू। अरे उस 7वीं वाले पेशेंट का हालत ही खराब है। एक्सक्यूज मी, हेलो डॉक्टर अरुण स्पीकिंग। हेलो डॉक्टर अरुण, दिस इज नारायण मेनन, बैंक से। यस सर, बताइए। मैंने आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है, आप जाकर माँ से मिलाइए। थैंक यू वेरी मच सर। गांव से वापस आकर तुम लोन का ब्याज भर दोगे, ऐसी मैंने गारंटी ली है। हाँ, उसे भूलना मत। नहीं सर। क्लियरेंस सर्टिफिकेट को मैंने मेल पर भेजा है, उसमें से एक कॉपी अपने पास रख लो, एयरपोर्ट पे तकलीफ नहीं होगी। ओके। मैं भी गांव आने वाला हूँ, एक हिसाब से हम वहीं पे मिल सकते हैं। श्योर सर, बस एक फोन कीजिए। ओके ओके। मुझे लगा ही था कि कुछ ऐसा होने वाला है। मेरा ट्रैवल बैन हट गया, मैं माँ से मिलने जा रहा हूँ। ओह दैट्स गुड न्यूज़, तब तो तुम्हें गांव निकलना होगा। 3 साल बाद तुम गांव जा रहे हो, थोड़ी सी शॉपिंग कर लो, ड्यूटी के बाद हम दोनों चलेंगे। तो आप उसके बारे में और जानना चाहते हैं? ये किसके लिए? शरद नाम है, मेरे गांव का दोस्त। अरुण। हाँ दीदी। सी पासपोर्ट और टिकट सब ले लिया ना? हाँ। हेलो। हेय। आई एम गोइंग होम। अच्छा ऐसी बात है, तो फिर वापस कब आओगे? ओह ठीक है, जल्दी आ जाना। ओके ओके, मिल गया। अरे वेणु भाई को नहीं बताया। वेणु भाई। हाँ बोलो अरुण। मैं गांव जा रहा हूँ। मुझे एयरपोर्ट छोड़ने आना है क्या? नहीं, डॉक्टर दीदी छोड़ रही हैं। गांव जाके मुझे बुलाना। ओके बाय वेणु भाई। लो ये थोड़े पैसे रख लो, वैसे तुम्हें पैसों की जरूरत तो पड़ेगी ना। दीदी पहले ही मैंने आपसे बहुत पैसे लिए हैं। तो फिर नहीं दीजिए। अरे नहीं दीदी, नहीं लिया तो आपको गुस्सा आएगा। दीजिए ना। गुस्सा आएगा? नहीं नहीं दीजिए। अब गांव जा रहे हो तो अपना ख्याल रखना। अभी जा रहा हूँ ना गांव, वापस आऊंगा तब अलग बन कर आऊंगा। ठीक है, थैंक यू दीदी, मैं फोन करता हूँ। डॉक्टर सावित्री है। What? I'm coming. This is the case of anaplastic glioma. You know it's an aggressive tumor, maybe secondary. ये लड़की डॉक्टर की क्या लगती है?
ये मेरी कजिन सिस्टर की बेटी है। हम लोग एक प्राइमरी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट कर सकते हैं, आगे इसके ट्रीटमेंट प्लान के लिए सोचना पड़ेगा। अगर इसे इंडिया रेफर करना है तो एक अच्छा ऑप्शन है। माया के माँ बाप इस दुनिया में नहीं है और रिश्तेदारों का भी पता नहीं, मेरे सिवा इसका और कोई नहीं है। 2 दिन बाद मैं इसे अपने हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दूंगी, वहाँ उसे एडवांस फैसिलिटी मिल जाएगी। That's fine. माया का फियांसे दीपक पेरिस में है, मैं फोन पर उससे बात करके आपको बताती हूँ। तुम बहुत किस्मत वाले हो, हर रोज उठकर तालाब में नहाना, सरकारी नौकरी है तुम्हारे पास, माँ बाप हैं, गांव वालों के साथ पार्टी करते हो, फ्रेश फिश खाते हो। ओह व्हाट अ लाइफ मैन। तू तो ऐसे बोल रहा जैसे वहाँ किसी जेल में रहता है। तेरा ही सपना था ना कुछ बनने का। अब मेरी समझ में आ रहा है कि क्या क्या मिस करता हूँ मैं। यार तेरी माँ मेरी माँ, जब भी मैं हॉस्पिटल का दरवाजा खटखटाता था तो तेरे बारे में सोच के अफसोस होता था। यार गांव वालों की बात छोड़, कम से कम हम अपनी माँ के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे तो डॉक्टर बनने का क्या फायदा है। वैसे भी बाहर देश जाके हमने कौन सा पहाड़ तोड़ दिया, अभी भी तो वही हाल है। दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंगों में रहना, महंगी गाड़ियों में घूमना, और शाम होते ही इंजॉय करने के लिए दुबई के किसी क्लब में जाना, वो सब छोड़ो और यहाँ जा। मैं भी यही सब चाहता हूँ, लेकिन वहाँ के कारनामे से बाहर निकल कर ही यहाँ आ पाऊंगा, तब तक तो मुश्किल है। अरे तुम आ रहे हो ना, दोनों मिलकर खाना खाते हैं, माँ ने बनाया है। अरे वाह, दुबई वाले हो ना, इसलिए कुछ खास बना के रखा होगा, मुझे नहीं चाहिए, तुम अकेले खा लेना, चलता हूँ। ठीक है। माँ आपने खाया? डॉक्टर ने मुझे बिना नमक वाला खाना खाने को कहा है, सो मैंने खा लिया है बेटा। अरे माँ इतना सारा बनाकर क्यों तकलीफ उठा रही हो? अरे बेटा इसमें तकलीफ की क्या बात है, और ऊपर से मेरी मदद करने के लिए एक औरत है, वो और उसका परिवार जो हम लोगों का पुश्तैनी मकान है ना उसकी देखभाल करते हैं, और वो लोग मेरी देखभाल भी करते हैं। तुम गांव कब आओगे ये पूछकर बहुत लोग तुम्हारी शादी के लिए रिश्ते भेजते हैं, कम से कम अब तो लड़की देख के शादी कर लो। कल मैं आपके पासपोर्ट के लिए अप्लाई करने जा रहा हूँ, वापस जाते समय आपको साथ लेकर जाऊंगा। अब तू बहाना मत बना, एक बहुत ही बढ़िया रिश्ता आया है, बहुत ही पैसे वाले हैं। लड़की का मामा तुझे जानता है, वो दुबई में किसी बैंक में मैनेजर है, उन्होंने कहा है तुझे फोन करने के लिए, ये ले नंबर। हेलो। हेलो, आने के बाद तुमने कॉल नहीं किया डॉक्टर? बस मैं अभी पहुंचा हूं। अरे मैं तो कल ही आ गया था। हाँ वैसे हम लोग कल आपके घर रिश्ते के लिए आने वाले हैं, आप वहीं हो ना? हाँ रहूंगा। ये एक फॉर्मेलिटी है ऐसा समझ लेना, उसके बाद हम साथ में बैठ के चाय पियेंगे, तो ठीक है हम कल मिलते हैं। ठीक है। मैंने उस लड़की की कुंडली भी देखी है, पंडित जी का कहना है कि बहुत अच्छा परिवार है, लड़की ने कला निकेतन से पढ़ाई की, मुझे बहुत पसंद है, तू देख। कला मंडल राश्री, सही है, कुल मिला के चेहरे पे रौनक तो है। कला मंडल राशिरी के चेहरे पे सिर्फ रौनक ही नहीं, लगता है अच्छे पैसे भी हैं, लगता है तुम्हें देने के लिए ही खरीदा होगा। भाई लेन देन में कोई कंजूसी नहीं करेंगे, अगर थोड़ा आगे पीछे हुआ ना तो मामले को बिगड़ने मत देना। हेलो सर, आइए 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 आइए। ये दोनों मेरे एल्डर ब्रदर्स हैं, और ये यंगर ब्रदर, ये है क्राइम ब्रांच डीसीपी सोमशेखर, और ये है वासुदेवन, करनवाल के बिल्डर हैं,
और ये है रवि, यूथ संगठन का स्टेट सेक्रेटरी है। और ये मेरी बीवी है ओमना, मेरा मतलब राजश्री की माँ। ये सब लोग यहाँ गांव में रहते हैं, मैं सिर्फ विदेश में रहता हूँ। ये मेरा दोस्त है शरद, यहाँ गवर्नमेंट स्कूल में मास्टर है। अच्छा, हेलो। ये मेरी माँ है। आप लोग अंदर आके बैठिए, मैं कॉफी लाती हूँ, आइए ना। वैसे आपकी मदद करने के लिए यहाँ कोई औरत है ना, वो मेरी मदद करती है। आप लीजिए। जी मैं अभी आता हूँ, ले लेता हूँ। क्या बात है अरुण? सर मेरी सिचुएशन तो आप जानते हैं, आप क्यों इस तरह प्रपोजल लेकर आए? ये कोई बड़ी बात नहीं है, परिवार में पहला दामाद डॉक्टर चाहिए, ऐसी सबकी ख्वाहिश है। हमारे सात परिवार में एक ही लड़की है सावित्री, और इनकी सिर्फ एक लड़की है राजश्री। उसका रिश्ता तय हो जाए, इसके अलावा दूसरा कुछ भी नहीं चाहिए। अरे परेशानी दूर हो जाएगी, मैं कह रहा हूँ ना। मैं अभी तक प्रिपेयर नहीं हूँ। अरे क्या प्रिपरेशन, हम सब मिलकर अच्छा करेंगे, हम करवाएंगे ना, टेंशन मत लो। चलो चलो चाय ठंडी हो रही, आओ। तूने क्या फैसला किया बेटा? मैं बिल्कुल प्रिपेयर्ड नहीं हूं। तेरी सैलरी के बारे में, तेरे काम के बारे में क्या मैंने आज तक कोई सवाल किया है? बोल। नहीं। और मुझे जानना भी नहीं है, मैं तो अपने पेंशन के सहारे जिंदगी गुजार ही रही हूँ। विदेश में स्पेशलिस्ट डॉक्टर को कितनी सैलरी मिलती है ये मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ बेटा। फिर भी तुमने अपने सर पर इतना कर्ज कैसे चढ़ा लिया ये मैं नहीं पूछूंगी। तुम जहाँ भी पढ़ने गए हो तुम्हारे साथ मैंने हमेशा एक नौकर भेजा है ताकि वो तुम्हारी देखभाल करे। तुम्हें कोई तकलीफ हो ये मैं नहीं चाहती थी, लेकिन नौकरी मिलने के बाद तुम मुझसे दूर चले गए ये भी मैंने स्वीकार कर लिया। हाँ, तुम्हारी जिंदगी में मैंने कोई दखल नहीं दिया, लेकिन मैं नहीं चाहती कि तुम कर्जदार रहो, इसलिए मैंने ये कागजात। घर के कागजात को गिरवी रखकर तुम्हारे ऊपर जो भी कर्जा है उसे चुका दो बेटा। सर पर कर्जा है इसलिए शादी नहीं करूंगा ये मत कहना। माँ ये सब आप बोल रही हैं, वो सब मैं खुद मैनेज कर लूंगा, बस उसके लिए मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। जब मैंने पंडित जी को कुंडली दिखाई तो उन्होंने मुझसे एक बात कही, अगर इस वक्त शादी नहीं करेंगे तो आगे शादी नहीं हो पाएगी। मैं चाहती हूँ कि मेरे जीते जी बस तू ये शादी कर ले बेटा, मैं कल ही तेरी शादी तय कर देती हूँ। माँ बहुत भूख लगी है। तो क्या करती रहती है बेटा? दरवाजा अच्छे से बंद कर दीजिएगा साहब। ठीक है। जरा रुकना। हाँ? ये लो, किसी को मत देना ठीक है? थैंक यू। सरप्राइज, मैं सोच ही रही थी, इसे कहते हैं टेलीपैथिक मिस कॉल। हेलो 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 लक्ष्मी, हाउ आर यू? वहां जाकर ऐसे सवाल क्यों पूछ रहे हो? अरे अरे मैं भी पागल हूँ, एक खास सवाल पूछना था। माँ अब कैसी है, तबीयत ठीक ठाक है ना? माँ इज फाइन। वैसे तुम्हारी रूरल ड्यूटी कैसे है? कुछ भी कहो गांव गांव ही होता है, कम पढ़ने वाले गांव छोड़कर चले जाते हैं
और जो लोग ज्यादा पढ़ लेते हैं वो गांव वापस आ जाते हैं। इस कहावत के मुताबिक मैं भी तो यही कर रही हूँ ना अभी। सिर्फ मैं ही बात किए जा रही हूँ, तुम बताओ ना क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? Hey, nothing. एक थोड़ा सा कूल्ड है, वेदर चेंज। दुबई इज जस्ट अ डेजर्ट विदाउट यू माय प्ले बॉय। वापस कब आओगे? हेलो लक्ष्मी। आई एम सॉरी। सॉरी किस लिए, क्या बात है? हेलो आर यू देयर, क्या हुआ तुम्हें, बोलो ना। कुछ नहीं, गुड नाइट। हेलो हेलो Your selection is good. आओ बेटा बैठो। का समय निकला जा रहा है। अवार्ड मुझे इस साल के कंपटीशन में मिला है। अभी फिल्मों में जो बड़ा नाम कमाया ना, उस शालिनी को दूसरा रैंक मिला था। उस फंक्शन में बहुत से कलाकार और फिल्म के लोग आए थे, लेकिन मेरे पिताजी नहीं माने। सीरियसली? मद्रास के कला क्षेत्र में पढ़ने की मेरी ख्वाहिश थी, लेकिन पिताजी ने कहा बाहर मत जाओ, यहाँ के कला मंडल में पढ़ो। मैं जरा दादी का ब्रेकफास्ट तैयार करती हूँ, तुम जाकर तब तक सबसे मिलो। स्वीट सचिन। गुड मॉर्निंग दादी माँ। हाय, गुड मॉर्निंग यंग बॉय। आई होप यू हैड अ स्वीट नाइट यस्टरडे। या। अरुण तुम दुबई में जॉब करते हो? आई हैव बीन देयर फॉर फ्यू आवर्स। इज इट? या, व्हेन आई वाज कमिंग फ्रॉम लंदन। राजश्री के दादाजी लंदन में चार्टर अकाउंटेंट थे। ओह रियली? लास्ट टाइम दैट वाज इन 1979। We flew via Dubai. मेरी बेटी सुमित्रा, मेरा मतलब तुम्हारी मदर इन लॉ, वो उस वक्त ब्रिटिश एजुकेटेड थी प्राइमरी लेवल में। उस समय उसके पिताजी को गांव में परेशानी हो गई, इसलिए जॉब छोड़कर यहाँ जंगल में बस गए। उस समय टाइपराइटिंग सीखने जाती थी सुमित्रा, तो पोस्ट ऑफिस में काम करने वाले गोपाल नायर के साथ वो प्यार कर बैठी। दोनों में बहुत प्यार हो गया और वहीं से शुरू हुआ डिजास्टर। यू लाइक दिस प्लेस, ओल्ड हाउस। आपका ब्रेकफास्ट तैयार है दादी। लुक,
मुझे वैसे भी इडली डोसा खाना बिल्कुल पसंद नहीं। मुझे तो ब्रेकफास्ट में कॉर्नफ्लेक्स चाहिए, दोपहर में दो चपाती विद वन प्लेट चिकन, डिनर में सूप एंड वेजिटेबल। मुझे तो इस मेनू की आदत है और मेरी आदत खत्म ना हो इसलिए मैं हमेशा भगवान की प्रार्थना करती हूँ। ओके सी यू। ओके बाय। कहाँ है तुम्हारे मामा के फौजी? वो लोग तो कल रात को ही चले गए। इतना ट्रेडिशनल और इतना बड़ा घर आपने गांव में कहीं नहीं देखा होगा ना? यस यस, व्हाट अ ह्यूज हाउस। इसे तोड़कर रिनोवेट करेंगे या बेचेंगे अब ये मम्मी और मामा मिलकर डिसाइड करेंगे। इसे बेचने जा रहे हैं? ये पुश्तैनी प्रॉपर्टी है ना, इसलिए माँ इसे मेरी शादी के पहले नहीं बेचना चाहती थी। पापा चाहते थे कि मेरी शादी एक डॉक्टर से हो, लेकिन अब सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। माँ ने कागजात पर साइन कर दिया है। अगर इसे बेचेंगे तो एक शेयर हमारा भी होगा। 22 एकड़ में से 1 एकड़ भी मिल गया तो बहुत है, थोड़ा तो फायदा होगा ना? थोड़ा ही फायदा होगा का मतलब? माँ बता रही थी लगभग 3 या 3.5 लाख मिलेगा। ब्रेकफास्ट के टाइम मम्मी पापा आपसे मिलना चाह रहे थे, मुझे ऐसा लगता है कि पापा आपको कुछ देने वाले थे। अरुण ने चाय पी क्या? हाँ जी। अरे जाकर उन्हें देखो, कोई दिक्कत तो नहीं है? खाना वाना दिया ना? हाँ हाँ जी, सब कुछ दिया है। कहाँ है वो लोग? वो लोग बाहर हैं। अच्छा, आइए ना। हाँ ठीक है। ये देखो, ये छोटे पापा हैं और ये मैं हूँ। हाँ बैठो। राजश्री, दादी माँ को बुलाओ, जरा उन्हें भी अच्छा लगे, क्यों? हाँ जी, मैं भी यही चाहती हूँ। देखो अरुण, तुम अच्छे घर से हो इसलिए शादी से पहले मैंने कुछ भी पूछताछ नहीं की, लेकिन आप लोग कुछ बोले ना बोले, हम तो सोचेंगे। क्या बोलती हो? हाँ जी सही बोले। दादी थोड़ा आराम से। हाँ तो सुनो, गांव के बाहर 10 एकड़ की जमीन है, फिलहाल अभी उसका कोई दाम नहीं है, लेकिन फसल उगाने के लिए बिल्कुल सोना जमीन है। वो मैंने राजश्री के नाम पे एग्रीमेंट बना रखा है। क्या बोलती हो? हाँ, हाँ, बिल्कुल। हाँ, सही सुन रही हो ना? हाँ सुन रही हूँ। देख लिया ना, और धनलक्ष्मी बैंक में एक FD भी है और साथ में 25,000 रुपए कैश भी है, और वो जो बाहर गाड़ी खड़ी है ना, वो मैं तुम्हारे नाम कर देता हूँ। उस जमाने में जब मैंने ये गाड़ी खरीदी थी ना, बहुत महंगी थी। राजश्री को अपने साथ दुबई लेकर के जाओगे ना तुम? हाँ, वहाँ कुछ फॉर्मेलिटीज करनी पड़ेंगी। अच्छा एक बात सुनो, मैं इस जिले को छोड़कर कभी भी बाहर नहीं गया। अब अगर तुम पीछे पड़ जाओगे ना, तो हम दोनों वहाँ पे आएंगे तुम्हारे पास दुबई घूमने। वो क्यों? अरे वो दुबई में शॉपिंग फेस्टिवल है ना, उसके लिए मुझे वीजा चाहिए। ग्लोबल विलेज का है ना, आई विल डेफिनेटली कम। या अरुण सुनिए, अब खुश तो है ना? राजश्री यहाँ आओ, अपना तोहफा स्वीकार करो। बहुत बड़े डॉक्टर हैं, बहुत काम होगा इनको, इनको रोकना ठीक नहीं है। ठीक है आ जाओ। हेलो। हेलो। हाँ पहुँच गए क्या? अरुण का फोन है, कह रहे हैं पहुँच गए। माँ से बात कर रही हो? हाँ। वैसे अरुण, आप आज पापा से पैसा लेना भूल गए ना? मैं भूला नहीं हूँ, उस पैसे से तुम एक आइसक्रीम लेकर खा लो। आ? सिर्फ तुम ही नहीं, तुम्हारी मम्मी पापा और तुम्हारे जो मामा है ना मैनेजर नारायणन, उन्हें भी खिला दो। मेरे पापा ने ठीक कहा था। क्या? अरुण बहुत ईमानदार है, इसलिए वो दहेज में कुछ भी नहीं लेगा। अरे तुम समझ गई ना? मैं तुम्हें नहीं समझूंगी तो और कौन समझेगा?
माँ नहीं है वहाँ? हाँ अभी देती हूँ, रुको। अच्छे से पहुँच गए हो ना? हाँ माँ। राश्री को तुम यहाँ से जरा जल्दी लेकर जाना बेटा, इस मामले में बिल्कुल भी देर मत करना। हाँ देखता हूँ। तुम उसे पसंद नहीं करते हो क्या? माँ तुम्हें पसंद है ना? अगर मैं सच कहूँ तो उसके दिल में कोई भी छल कपट नहीं है, बहुत ही मासूम लड़की है, हमेशा हंसती रहती है। इतना काफी है। Hey, please stop here. बशीर, तुम फ्लैट में हो ना? मेरे पास चाबी नहीं है। यार क्या ना, एक प्रॉब्लम है, मेरी बीवी और बच्चे गांव से जल्दी आ गए। तुम शादी में बिजी थे इसलिए तुम्हें बुला के तकलीफ नहीं देना चाहता था। फिलहाल तू कोई और जगह देख लेना। बशीर, इस तरह अचानक से बोलोगे तो? सॉरी यार, ये फ्लैट उसके बाप की वजह से ही मिला है। उन लोगों को बिना बताए मैंने पॉकेट मनी के लिए ये रूम मैंने किसी और के साथ शेयर किया था, अगर उन्हें पता चल गया ना तो बवाल हो जाएगा। तू एक काम करना, बचा हुआ किराया मत दे। तेरा सारा सामान मैंने पैक करके रख दिया है, तू नीचे ही रुक, मैं उसे लेकर के आता हूँ। हे, प्लीज स्टॉप। 2 BHK फ्लैट, नहीं तो 1 रूम किचन, कुछ भी चलेगा। एक 2 बेडरूम खाली है, लेकिन 90,000 दिरहम स्पेयर रेट, सिंगल 70,000 दिरहम। भाई पैसा थोड़ा कम कीजिए ना। एक फ्लैट है लेकिन उसमें थोड़ा साफ सफाई करनी पड़ेगी। ठीक है भाई, कोई बात नहीं, हम कर लेंगे। इसका रेंट कितना है? वो 45,000 दिरहम में हो जाएगा, 2 चेक ऑफ 15,000। ओके। 2,000 दिरहम कमीशन, 2,000 दिरहम सिक्योरिटी। हाँ। बट द फर्स्ट 19,000 दिरहम कैश में पे करना होगा। ओके, मैं कैश लेकर आता हूँ, बाद में डॉक्यूमेंट्स देना। तुम यहीं वेट करो, मैं ATM तक जाकर आता हूँ। हाँ अरुण, आ जाओ। डॉक्टर दीदी हैं। अरे सावित्री, यस, अरुण आया है। मुझे भी बहुत पसंद है। अच्छा तुम इतने दिन से कहाँ थी, दिखाई नहीं दे रही थी। अरे हाँ, एक छोटा सा गेट टुगेदर, कम ऑन जॉइन अस। नो कैरी ऑन, आई विल कम सम अदर टाइम। थैंक यू सो मच। ओके सावित्री, जरा इधर आना। आई एम कमिंग। इसे उस कमरे में रख दो। चंद्रा भाई सामान अच्छे से रख दिया ना? सब अच्छे से रखवा दिया है। आइए आइए। विनु भाई आप कहाँ से हैं? कैंप में बहुत सारे मेहमान हैं बेटा,
हमारी बहुत बड़ी फैमिली है ना बेटा, जब तक फ्लैट नहीं मिलता है तब तक यहीं पे एडजस्ट कर लो। यहाँ सामान रखने का बहुत प्रॉब्लम है, लेबर कैंप का नाम सुनते ही मुझे अंदाजा आ गया यहाँ बहुत तकलीफ होगी। अरे वो तो दिल की बीमारी वाली ऐसी बातें करके डरा देते हैं, तुम ज्यादा थक गए होगे, आराम से सो जाओ। है वैसे हम लोग खुद ही सोच रहे थे कि अपने बारे में सब कुछ डॉक्टर को बता दी जाए, जो भी होगा कल देख लेंगे, अभी आराम कीजिए। गुड नाइट। ओके गुड नाइट। हाँ ठीक है। बेनू भाई, हम उस दिन इसी डॉक्टर से बुर्ज खलीफा बिल्डिंग में मिलने गए थे। अरे लेकिन उस दिन वो ऑपरेशन थिएटर में बहुत बिजी था ना भाई। भले ही हम सब तकलीफ में रहे लेकिन मेहमान को तो अच्छे से सोने दो। ऐसे लगता है पहले तुम बुर्ज खलीफा में सोते थे, चुपचाप सो जाओ। दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग के नीचे से गुजरना ही हम लोगों के लिए बड़ी बात है ना बेनू भाई। अब देखो कुछ गलत मत सोचना भाई, इतने बड़े फ्लैट में रहने वाला आदमी अगर अचानक एक दो दिन के लिए हमारे पास आ जाए ना, तो मतलब ये कि वो हमें कहीं ना कहीं अपना समझता है। नहीं तो वो किसी होटल में रूम लेकर के भी रुक सकता था। क्यों, अब किसी होटल में रुकना उसके लिए कोई बहुत बड़ी बात तो है ना भाई। वो तो ठीक है, फिर भी आप चाहे कुछ भी कहें, लेबर कैंप में आकर सुना उसकी किस्मत में था। सुबह जल्दी उठना है, सो जाओ। आओ। यहाँ मेनू भाई, इधर आओ, इधर आओ, ये देखो। Good morning. Hello. Hello. This is your chart. You can meet 9 o'clock again. मैंने कितनी बार फोन किया तुम्हें, कॉल बैक क्यों नहीं किया? मैं थोड़ा बिजी था लक्ष्मी, तुम्हारी रूरल ड्यूटी हो गई। सवाल तो देखो, जब तुम यहाँ हो तो मैं वहाँ कैसे हो सकती हूँ? वो ड्यूटी है और ये ब्यूटी है। डॉक्टर, डॉक्टर अपनी शादी की पार्टी सिर्फ एक स्वीट पर खत्म मत करना, ग्रैंड पार्टी देना। क्या ये अभी क्या बोल रही थी? हाँ, तुम्हारी शादी हो चुकी है? देयर इज इमरजेंसी सिचुएशन सर, प्लीज कम टू कैजुअलिटी। एनाप्लास्टिक ग्लायोमा। अरुण, माया के कमरे में जो भी उसके पर्सनल चीजें हैं मेरे कमरे में शिफ्ट करने के लिए मैंने स्टाफ से कहा है, तुम जरा जाके देखो ना। ओके। और जो भी रिपोर्ट्स है उस पर भी जरा ध्यान देना। गुड मॉर्निंग सर। हम्म,
ये क्या, तुमने खुद कहा था कि तुम यहाँ काम करना चाहती हो और अब यहाँ से जाना चाहती हो, ऐसा क्या हो गया? अर्जेंट कॉल होगा, उठा के देखो। इट्स ओके डॉक्टर। क्या हुआ है तुम्हें, आर यू ओके? ऐसी कोई बात नहीं है डॉक्टर, रूरल एरिया में काम करते वक्त मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अपने गांव में ही हूँ, इसलिए थोड़ी इमोशनल हो गई बस। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, मैं एडमिनिस्ट्रेशन से बात करती हूँ, तुम जाओ। थैंक्स डॉक्टर। ऐसी कोई बात नहीं है डॉक्टर दीदी। लक्ष्मी, क्या बात है, इतने डल क्यों लग रहे हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तुम ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट के ऑक्सीजन हो, अगर तुम डल होगे तो हमारे हॉस्पिटल के पेशेंट, डॉक्टर, स्टाफ सभी लोग डल हो जाएंगे। ये लो, तुम राष्ट्रीय को मिस कर रहे हो। माया को आईसीयू से रूम में शिफ्ट कर दिया है, अब क्या कहूँ, तुम उससे मिले क्या? हाँ, इंसान कितनी जल्दी बदल जाता है। कहानी तो कब की बदल चुकी है, बस हम उसे दिलासा दे रहे हैं। क्या हुआ? उसके ब्रेन को डैमेज हुए 6-7 महीने हो गए। फ्रांस में ट्रीटमेंट से ऑलमोस्ट रिकवर हो गई थी, लेकिन ये बात उसने मुझे नहीं बताई। अब्रॉड में रहने वाले यंग जनरेशन बहुत ही इंट्रोवर्ट होते जा रहे हैं, उनके लिए पेरेंट्स नहीं तो फ्रेंड्स। उसके अलावा जितने भी नाते रिश्तेदार हैं उससे उनका कोई कनेक्शन नहीं है। जैसे माया की करीबी रिश्तेदार मैं हूँ, यूके में उसके यहाँ रहकर मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया। माया कोई बिजनेस शुरू करेगी ये सोचकर वो यूके से दुबई रहने चली आई। उस दिन मिले थे तब माया की सगाई होगी ऐसा कह रही थी, कोई दीपक नाम का था। जब उसके माँ बाप जिंदा थे तब उन्होंने ये रिश्ता फिक्स किया था। जैसे ही दीपक को बीमारी का पता चला उसका एटीट्यूड ही चेंज हो गया। जिंदगी भर साथ जीने मरने की कसम खाने वाला दीपक, माया के इस क्रिटिकल सिचुएशन में भी दीपक फोन पर भी माया से बात नहीं करता। माया दीपक के इस एटीट्यूड के कारण माया बहुत परेशान रहती है। तुम मेरे काम करोगे अरुण, माया इस वक्त बहुत डिप्रेस्ड है और तुम्हारे अंदर लाइफ को जीने का पॉजिटिव एटीट्यूड है। तुम जिन लोगों से मिलते हो तुम्हारी ये एनर्जी उनको बूस्ट अप करती है, बस तुम थोड़ा सा समय माया को दे दो प्लीज, एज अ डॉक्टर, एज अ गुड फ्रेंड। या श्योर। कम ऑन डॉक्टर। हाँ, माया तो बहुत अलर्ट हो गई है। ब्लड पैरामीटर्स आर विद इन द रेंज। व्हेन इज द फाइनल कीमो? नेक्स्ट वेडनेसडे। ये काम हो जाएगा तो एनफ है, उसके बाद फॉलो अप करना है। बहुत जल्दी डिस्चार्ज कर दूंगी। मे आई? हाँ, देखो अरुण आया है। हेलो, हाय दीदी। हाय माया। तुम दोनों बात करो, आई विल सी यू लेटर। कूल, बाय बाय दीदी। सो माया, व्हेन यू गोना डिजाइन माय कॉस्ट्यूम्स? मैंने अब तक बुटीक शुरू ही नहीं किया। शुरू करने के लिए बहुत वक्त है। यू रीड बुक्स? या, आई लव टू रीड। वाओ, गॉट समथिंग फॉर यू, फ्यू ऑफ माय फेवरेट्स, आत्मा को संभालने वाली दवा। So, I'll get going and I'll see you around. Bye. Bye. कल मैं उस चेक को जमा करने वाला हूँ। गांव में चेक बाउंस हो जाए तो चलता है, लेकिन दुबई में ये सब नहीं चलता, समझ गए? गलती होगी तो सजा मिलेगी, बाद में रोने से कोई फायदा नहीं, ठीक है ना? वैसे हम क्या बातें कर रहे थे? आपसे पैसे के बारे में बात करनी है, हमें देंगे या नहीं? देखो, पहले की तरह पासपोर्ट को कब्जे में रख के पैसे देने का काम बंद कर दिया है, अब वैसा नहीं चलता। अब अगर कोई कीमती चीज ला के दोगे तो मार्केट के हिसाब से जो भी पैसा बनेगा वो तुम्हें दे दूंगा, क्या बोलते हो? कोई ऐसी चीज है तो यहाँ तुरंत लेके आ जाओ, मैं पूरे पैसे कैश में दे दूंगा, क्या बोलते हो? हाँ, अभी मेरी एक मीटिंग है, जाना होगा, बाद में मिलते हैं। आप एक बार जरा सोच कर देखिए, पैसा जुटाने का और कोई रास्ता है क्या हमारे पास?
يرجى الاتصال لاحقا. شكرا. The mobile phone you have dialed has been switched off. हेलो हेलो हाँ डॉक्टर, मैं माया. हेलो माया, हाउ यू डूइंग? वेल आई एम फाइन, लेकिन क्या हुआ? नहीं हुआ कुछ नहीं. जब मैं हॉस्पिटल में थी तब मैं जल्दी बाहर आने का सोच रही थी, बट नाउ आई मिस योर हॉस्पिटल. इज इट? मैं डॉक्टर को फोन कर रही थी पर उनसे बात नहीं हो पाई. वो डॉक्टर का आज सर्जरी है. शाम को आप फ्री हो क्या? कौन, मैं फ्री हूँ. हाँ प्रिया, कैन वी मीट समवेयर? शुक्रन. या श्योर. ओके, सो जस्ट टेक्स्ट मी व्हेन यू देयर. ओके, आई विल सी यू सून. थैंक यू, बाय बाय. डॉक्टर, जब मैं आपसे मिली तो एक बात पूछना चाहती थी. सीरियस केस हैंडल करने वाला डॉक्टर इतना लाइटली बिहेव कैसे कर सकता है? दैट्स वेरी सिंपल. आई हैव नो रिग्रेट्स अबाउट द पास्ट. आई एम नॉट एंग्जियस अबाउट द फ्यूचर. आई एम जस्ट लिविंग इन द प्रेजेंट. और मैं यहाँ दुबई में हूँ. खुशी हो या गम हो, यहाँ हर चीज बस 10 मिनट की दूरी पर है. बुटीक सेट करने के चक्कर में मैं दुबई भी नहीं देख पाई ठीक से. उस प्लान को अभी ड्रॉप कर दिया. अभी मेरे पास बहुत टाइम है. हाउ इज दुबई? माया, यू नो व्हाट इज माया? माया मींस इल्यूशन, मतलब जो जैसा नहीं है वैसा दिखना, राइट? दैट्स राइट. ये सिटी भी ऐसी है. एक जादूगर अपने हाथ में एक लकड़ी लेकर ऐसे घुमाता है जैसे माया को क्रिएट कर रहा है. मैजिक का पावर निकल जाएगा तो पता चलेगा. ये पता चलेगा कि ये सुंदर सपना था. फिर चाहे खुशी हो या गम, कुछ भी मायने नहीं रखता क्योंकि हर तरफ माया ही माया है. चेक इट. इस दुनिया में एक ही रियल लाइफ है. पता है वो क्या है? क्या है? बिल. रियल लाइफ में बिल पे करने के लिए रियल मनी की जरूरत है. अगर बिल भरने के लिए मनी है तो वो अनरियलिटी को रियलिटी में बदलने की माया है. So pay the bill and let's vanish into the Maya. Hello, मैं ऑपरेशन थिएटर में हूँ. നീലാമലരെ നീലാമലരെ പ്രഭാകിരണൻ വരാറായി നീലാമലരെ നീലാമലരെ പ്രഭാകിരണൻ വരാറായി സുഗന്ധം മായല്ലേ മരന്തം തീരല്ലേ കേടാതെ നാളമേ നാളമേ ആളൂ നീ നീലാമലരെ നീലാമലരെ പ്രഭാകിരണൻ വരാറായി Yes.
क्राउड का रिएक्शन मैं समझ सकती हूँ, लेकिन डॉक्टर, कैंसर ट्रीटमेंट से बाल झड़ जाते हैं ये तुमने कहा क्यों नहीं? वैसे तो बहुत फिलॉसफी की बातें करते हो, एवरीथिंग इज माया माया। कहाँ गया ये सब? फिलॉसफी डॉक्टर और पेशेंट के बीच में चलती है, बट यू आर माई फ्रेंड राइट? Doctor, you keep the car. I'll see you tomorrow. Okay. Thanks for a wonderful evening. You take care. ये रह गया था। ओह, आई एम सो सॉरी। इट्स ओके। ओके देन, गुड नाइट। देख रहे हो तुम, अभी मेरा पूरा घर बिखरा हुआ है। ठीक से रख दो। अभी मेरा मूड नहीं हो रहा है ठीक करने का। आज करूंगी, कल करूंगी, ऐसे करते करते 4 दिन हो गए। तो हम दोनों मिलकर ठीक कर देते हैं। Are you mad, डॉक्टर? सावित्री दीदी से क्लीन करने को अरे कर रहे हैं ना, क्लीनर की क्या जरूरत है? श्योर। कैच। अरे बाप रे, ये तुम क्या कर रहे हो? इसे रहने दो। उस पेटी में जो सामान है उसे अच्छे से रख दो। ओके। Yeah, coming. क्लीन करने का कमरा एक ही है सोचा था, पर यहाँ तो इतने सारे कमरे हैं, थक ही गया मैं। एक इंसान इतनी बड़ी जगह में बोर नहीं होता क्या? मैं किस हाल में फंस गई? यहाँ की हालत देखकर मुझे यहाँ से कहीं और शिफ्ट करने का मन कर रहा है। सच कहूँ तो इस फ्लैट को लेने के बाद बुरी तरह से फंस गई हूँ, कभी कभी ऐसा लगता है। माया, इसका एक आध रूम तुमने रेंट पर क्यों नहीं दिया? किसी अनजान इंसान को रखने का मन नहीं है। डॉक्टर, तुम कहाँ रहते हो? मैं एक्चुअली मैं एक फ्लैट ढूंढ रहा हूँ, फिलहाल कुछ फ्रेंड्स के साथ एडजस्ट करके रह रहा हूँ। डॉक्टर, अगर आपको एतराज ना हो तो आप यहाँ रह सकते हो, और मुझे जान पहचान के लोगों के साथ रहने में कोई तकलीफ भी नहीं होगी, सच कह रही हूँ। अरे तुम तकलीफ मत उठाओ, तुमने मुझे अब तक एक डॉक्टर के रूप में देखा है, तो फिर इसीलिए तो नहीं पूछ रही हो ना? तुम डॉक्टर हो इस वजह से कह रही हूँ। कुछ दिनों की ही तकलीफ है ये, बाद में एक अच्छा फ्लैट मिला तो मैं ले लूंगा। वैसे इसका रेंट कितना होगा? अब वो सब तो बाद में देख लेंगे। तो फिर कल ही आ जाता हूँ। ओके, बाय। बाय। மட விரலின் ஸ்ருதி மணலில் ஒரு வரி எழுதுமோ இனி ஒரு ஜெ
लखनम पकरु मोइनी ओरु नरु मोरी अदु मदीनी इरन काटिल पारी जीवोन मादम चुडी पोरु पूविदले नीला मलरे प्रभा किरणं वरारायी शलभ में वरु 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 निमिष शलभ में मधुनु करुइनी उदय किरण में कनक मणियुनी जनलड़िकलिल कुरुगु मुखिडी ഒഴുകുമു നദി മരുവിലും ഇനി ഏതോ തെന്നൽ തേരിൽ മാറിപ്പൂവും ചൂടി പോരു കാർമുകിലേ നീലാമലരെ പ്രഭാകിരണൻ വരാറായി माया हाँ थोड़ा पानी लेके आओ ना कमिंग अब तक सूखा नहीं है एक मिनट माया मैं वेणु भाई के साथ लेबर कैंप में रह रहा था उन लोगों ने मेरे लिए बहुत तकलीफें झेली हैं जब माया ने मुझे यहाँ बुलाया तो फिर मैं तुम्हारी शादी के बारे में वो जानती है क्या नहीं तुमने बताया नहीं उसने पूछा ही नहीं माया से जब पहली बार मिले थे तब तुम्हारी शादी नहीं हुई थी लेकिन अब तो तुम शादीशुदा हो फिर भी तुम उससे इस तरह माय गॉड हम दोनों अच्छे दोस्त हैं बस इसके अलावा कुछ नहीं है कुछ नहीं है इस तरह के रिलेशनशिप्स का क्या अंजाम होता है ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ अरुण बच्ची नहीं हूँ टेल मी द ट्रूथ उसके साथ वक्त बिताते समय तुम दोनों के बीच में क्या क्या हुआ होगा आई मीन फिजिकल नो ठीक है तुम अभी के अभी गांव जाओ और जितनी जल्दी हो सके राजश्री को लेकर तुम यहां पर वापस आओ एक फ्लैट ले लो जो भी खर्चा होगा मैं करूंगी मैं जो कह रही हूं तुम समझ पा रहे हो ना माया को मैं कुछ भी बोलकर संभाल लूंगी इस वक्त मैं उसे कोई भी स्ट्रेस नहीं देना चाहती लेकिन आगे से फोन करना मिलना जुलना सब बंद अंडरस्टैंड उधर देखो तुम्हारा अम्मी खड़ी है यहाँ की गाड़ियों में
स्टेयरिंग इस तरफ है ना, कंफ्यूज। जब वीजा का काम नहीं हुआ तो मेरे मॉम डैड को ज्यादा फिक्र हुई। मेरा वीजा क्लियर हो जाए इसके लिए उन दोनों ने मन्नत भी मांगी थी। वीजा क्लियर होते ही सबसे पहले तुम्हें फोन किया। नारायण मामा और ओमना के अलावा मेरे और भी रिश्तेदार दुबई में हैं। कमला मेरी बड़ी बुआ, विमला की बड़ी दीदी और छोटी मौसी पुष्पा, ऐसे कुछ रिश्तेदार भी हैं यहाँ। वो लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं। विमला के पास तो खुद का ड्राइविंग लाइसेंस भी है, पता है उसने कहा कि वो मुझे हर शाम को कार चलाना सिखाएगी। गांव में मैं साइकिल चलाना सीखती थी, साइकिल चला लिया तो गाड़ी चलाना आसान होगा ना। बिल्कुल, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए यहाँ साइकिल पे ही टेस्ट लेते हैं। ये कटहल है। ओह, इसके अंदर क्या है? अरे ये सब तो हमारा नहीं है, विमला बुआ, ओमना मामी और पुष्पा मौसी के घर वालों ने ये सारा सामान उनके लिए भेजा है। ओह, क्या हुआ डॉक्टर, तुम इतना चौक क्यों गए? मैंने अपनी बहन की बेटी से तुम्हारी शादी करवाई है। चलो भाई आ जाओ आ जाओ। मामा जी। अरे बेटी। आ गए सब लोग। देखो ज्यादा वक्त हम यहाँ पर नहीं रुकने वाले। मलयाली क्लब का फंक्शन खत्म करने के बाद जब हम जा रहे थे तो सोचा तुमसे मिलते चले। गाँव से जो चीजें आई है उनमें से हम थोड़ा ले सकते है ना। उन्होंने मुझे फोन पर बताया था कि केले के फूल की सब्जी बना करके भेजा है उन्होंने। हाँ, गांव की खेती में उगाया गया 3 किलो उड़द भी भेजा है। हाँ। सारा सामान रखा है यहाँ। अच्छा तो हम बॉक्स को साथ में लेकर जाएंगे, वहाँ जाके देख लेंगे। तो वक्त बर्बाद मत करो, सारा सामान उठा कर ले चलो। अच्छा, अच्छा। नहीं मैं नहीं उठा सकता, मेरे कमर में बहुत दर्द है। फिर तो वक्त बर्बाद मत करो, सभी सामान निकाल लो। अरे चलो चलो जल्दी चलो, बाद में बात करना। अच्छा ठीक है। जरा इसके सेहत पर ध्यान देना, खाते पीते घर की लड़की है, ये बात उस पे दिखनी चाहिए ना, है ना? चलिए बुआ मैं आपको बाहर तक छोड़ देती हूँ। हाँ हाँ चलो, फिर आइएगा। हाँ हाँ जरूर। देखो डॉक्टर, फालतू खर्च मत करना, पैसा सोच समझ कर खर्च करना, लेकिन जब रिश्तेदार घर आए तो कंजूस ही मत दिखाना। नारायण जी, आपने सिर्फ मुझे ही नहीं उस बेचारी बिना माँ बाप की लड़की को भी धोखा दिया है। गाड़ी टर्न करके पहला लेफ्ट लेंगे तो सामने एक मंदिर है, वहाँ जाके जो झूठ मुझसे कहा वो उसे भी के। अच्छा डॉक्टर, सीधे जाकर के लेफ्ट लेना है ना? राइट जाएंगे तो अच्छा है, वहीं पे है वो मंदिर। हमारे दामाद को यहाँ के सारे रास्ते पता हैं, बस मैं ही भूल जाता हूँ। वैसे ठीक है, गुड नाइट। सभी लोग यहाँ शिफ्ट हो गए, इसी वजह से सभी लोगों ने गांव छोड़ दिया। देखा आपने, सब मुझसे कितना प्यार करते हैं। बहुत प्यार करते हैं, इसलिए पहली बार जो विदेश जा रही है उसी के हाथ में इतना सारा सामान थमा दिया है। मछली का सालन, जवार और कैरेट और नारियल का लड्डू। जब रिश्तेदार कहे तो हम मना कैसे कर सकते हैं? इट्स ओके, अब सो जाओ, रात हो गई है। Doctor, enough for all this. It's time to go. Let me go. Sleep well. You're gonna be fine. Hello. Hello. सुनो अरुण, मैं अभी घर पर नहीं हूँ। विमला बुआ और ओमना मामी के साथ मैं शॉपिंग पर जा रही हूँ। हम लोग आज खाना भी बाहर खाएंगे, आप भी आज बाहर से खा कर आइएगा। सुनो अरुण, आई मिस यू।
I was actually going down. I think you guys were... I'll come later. Yes, doctor. Arun? Hi, Didi. How is Rashri? She's fine. Oh. कभी उसे हमारे घर लेकर आओ. आता हूँ. हेलो. या एक मिनट, बैंक से. हेलो, दिस इज पूजा शिंदे फ्रॉम स्विस ओरिएंटल बैंक. डॉक्टर, व्हाई आरंट यू आंसरिंग माय कॉल्स? नो, दिस इज माय लास्ट एंड फाइनल कॉल टू रिमाइंड यू अबाउट द पेमेंट डेडलाइन. व्हाई आर यू नॉट रिप्लाइंग डॉक्टर? नारायण सर ने कहा है कि आपकी शादी हो गई है. बहुत डाउरी मिला है ना? अब फोन रख दो. कैसी लग रही हो? बहुत अच्छी लग रही हो. आपको पता है ये बहुत ही ट्रेंडी है. भले ही कीमती है पर जच रही हो. लो, इसे भी ले लो. ओके, मैंने जो पहले सेलेक्ट किया था वो यहाँ है. पहले चेंज करके आओ, उसके बाद जाकर वहाँ बिल दे देना, ठीक है? कैश एंड कार्ड? कार्ड प्लीज. ये कार्ड काम नहीं कर रहा है मैम. काम नहीं कर रहा मैम. चिंता मत करो बेटी, इन चीजों को रखवा देते. शाम को हम लोग आकर बिल भर देंगे, है ना? सही कहा. आई एम सॉरी, इन चीजों को साइड में रख दीजिएगा, शाम को आकर ले लेंगे. ओके मैम. आओ बेटी. शॉपिंग गई थी ना, हाथ में कुछ दिख नहीं रहा. कहाँ है विमला दीदी और ओमना बुआ? इन्होंने जो खरीद कर दिया वो कहाँ है? जिसका पति कमाता हो तो भला उनके रिश्तेदार क्यों दे? आज पहली बार मेरी बेइज्जती हुई है. एक रुपया भी नहीं है इस कार्ड में. किससे पूछकर ये लेकर गई थी? इसमें पैसे होंगे मैंने सोचा. कार्ड इस्तेमाल करने से पहले मुझसे पूछा? मेरी बेइज्जती करने के लिए यहाँ पर आई हो ना? मेरा दुश्मन ही तुम्हारा रिश्तेदार है, उसके साथ मिलकर तुम यहाँ दुबई में. अरे तुम, अरे सुनिए, you
हेलो आई एम सॉरी, मैं गुस्से में कुछ ज्यादा ही बोल गया, रो मत प्लीज। कोई बात नहीं है, आज जब मेरा अपमान हुआ तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई, सॉरी। इट्स ओके, आज मुझे थोड़ा लेट होगा, खाना खाकर सो जाना। الهاتف المتحرك الذي طلبته مغلق يرجى الاتصال لاحقا شكرا The mobile phone you have dialed has been switched off हेलो। अरे प्रवीण, मुझे बैंक का कुछ लोन चुकाने के लिए पैसे चाहिए थे। यार मैं अबू धाबी में हूँ, माँ के सीने में दर्द है तो हॉस्पिटलाइज है, अभी मेरा हाथ बिल्कुल खाली है, पैसे नहीं है यार। क्या कर रहे हो? सॉरी यार। आओ ना, किससे बात कर रहे हो? तुम्हारी माँ की आवाज अलग लग रही है, कैरी ऑन। कम ऑन। हेलो अरुण भाई। सुखू, एक थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है रे, मुझे पेमेंट मिलने में और कुछ दिन लगेंगे, मुझे कहीं से थोड़े पैसे अरेंज करके दे सकते हो? मैं भी प्रॉब्लम में हूँ भाई, ऊपर से 3 क्रेडिट कार्ड की एमआई भी भरनी है, और तो और मेरी माँ ने पैसे मांग मांग कर मेरी जान खा रखी है। कुछ तो रास्ता बताओ, सच में बहुत जरूरत है। आप किसी और से मांग कर देखो ना भाई। अरे सबकी अपनी परेशानियाँ हैं। आपकी वो फ्रेंड है ना माया, जो उस दिन आपके साथ पार्टी में आई थी, मेरी बात को गलत मत समझिएगा, लेकिन आप एक बार उससे मांग कर देखिए ना, हो सकता है वो आपको दे दे। नहीं। अरे आप एक बार पूछ कर देखिए तो, जब तकलीफ होती है तो दोस्त ही काम आते हैं अपने। ठीक है। Hey, surprise! Please come in. क्या हुआ? सारा फर्नीचर कहाँ गया? पहले आ जाओ। फिलहाल तुम यहाँ बैठो। मैं इस फ्लैट को बदलने का सोच रही थी। Why? What happened? एक अच्छा सा स्टूडियो फ्लैट मिला है, small and beautiful. तो फिर मुझे क्यों नहीं बताया? अब इसमें बताना क्या है? जिस दिन से घर छोड़कर गए हो, तुम्हारी कोई खबर ही नहीं, मैंने फोन भी किया था लेकिन कोई जवाब ही नहीं मिला और ना ही कॉल बैक आया। तुम्हारे सामान को ले जाने के लिए सावित्री दीदी आई थी। यस, सीएम की ट्रेनिंग में था, कंटिन्यू और मेडिकल एजुकेशन, और वहाँ बीच में फोन नहीं उठा पाया। जब तुम्हारा कॉल नहीं आया तो आई थॉट आई वॉज बॉदरिंग यू, और इतने बड़े फ्लैट में शेयर करने वाला भी कोई नहीं था, तो मैंने सोचा कि दुबई जैसे शहर में इतने बड़े फ्लैट की भला क्या जरूरत है, मेरे लिए एक छोटा सा फ्लैट ही काफी है। गाड़ी ना रुके इसके लिए पेट्रोल की जरूरत तो होगी ही ना। Hey, अब तुम आ गए हो तो हेल्प करो मेरी पैकिंग में। आओ जल्दी आओ। ओह, मैं थोड़ा कुकिंग एक्सपेरिमेंट कर रही थी, स्पेशल रेसिपी सूप, उसे ट्राई करने का गोल्डन चांस मिलेगा आपको। ऑलमोस्ट रेडी है, पैकिंग करते रहो मैं आती हूँ।
सच कहूं तो मैं इस जन्म में दो लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूं, डॉक्टर सावित्री, डॉक्टर अरुण। वो क्यों? दूसरी बार मैं बीमारी से प्रभावित हुई। आई वॉज टोटली डिप्रेस्ड। मुझे उस बीमारी से बचाया और मुझे बहुत मोटिवेट भी किया। वो दिन मेरी जिंदगी का बहुत खास दिन था। पूरी जिंदगी जीने के लिए वो चंद यादें ही काफी हैं। सूप बहुत बढ़िया बना है। थैंक यू। इस फ्लैट में मेरा आज आखिरी दिन है। कल से मेरी दुनिया अलग होगी। ओके। थैंक्स फॉर कमिंग। अच्छी है, एडवांस ले लिया, बाकी वो संभाल लेगा। अब आप टेंशन बिल्कुल मत लो। बेकार में उस लड़की ने इसहार को अपने पास रखा था। उससे अच्छा ये हुआ कि हमने उसे गिरवी रखकर थोड़े पैसे ले लिए। अब हमें पैसे मिल जाएंगे, हम बैंक का लोन क्लियर कर देंगे। उस पैसों को लेकर बाकी का लोन चुका देंगे और एक लोन और ले लेंगे हम। उसके बाद हम ओरिजिनल नेकलेस छुड़ा लेंगे। हमने चोरी नहीं की, समझो एक हफ्ते के लिए उधार लिया है। अरुण, अरुण जी, बोर हो गए क्या? चलो। उनमें से दो ही लिया, बाकी सब वापस कर दिया। सोचा बेकार में आपका पैसा ना खर्च हो। लक्ष्मी,
लक्ष्मी, तुम्हारी रूरल पोस्टिंग हो गई? लक्ष्मी, मुझे अकेला छोड़ दीजिए। अरे मैं माँ बोल रही हूँ, अगर तू पैसे नहीं भेजेगी तो मेरा कैसे चलेगा? बोलो बेटी, मेरा तो खाना ही हजम नहीं होता। शादी की उम्र में तुम समंदर पार चली गई हो, मैं तो जिंदा लाश की तरह तकलीफें झेले जा रही हूँ। क्यों बेटी, अच्छा से खाना पीना कर रही हो ना? कम से कम हफ्ते में एक बार फोन तो कर लिया करो। माँ, मैं बाद में बात करती हूँ। ठीक है बेटी। It is drastically advanced. There's no other option. Just about morphing. I'm sorry. Thank you very much for your time. Welcome. Accept the reality. Yes, doctor. Hi, Earl. Kya hua? माया को फिर से एडमिट किया गया है, बहुत क्रिटिकल कंडीशन है। ऐसे में कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ट्रीटमेंट से पहले तो पॉजिटिव रिपोर्ट आई थी ना, लगता है उसे कोई मेंटल शॉक लगा है, नहीं तो ऐसा नहीं होता। पेन से रिलीफ देने के लिए मॉर्फिन के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचा है। It's okay. हेलो, बहुत पेन हो रहा है क्या? ये इंजेक्शन लगाऊंगी तो पेन कम हो जाएगा, ठीक है ना? गुड नाइट।
ये मुझसे नहीं होगा सुखू। भाई ये आपका लास्ट चांस है, आगे से मैं आपकी मदद नहीं कर पाऊंगा। यहाँ वो लड़की लास्ट स्टेज पर है, उस लड़की के साथ इस तरह धोखा नहीं कर सकता मैं। आपसे मैं कुछ गलत करवा रहा हूँ आप ऐसा मत सोचिए, आप मेरा एहसान मानो, अगर आप इसे नहीं करोगे तो आपको ही परेशानी होगी। जब मामला पूरा ठीक हो जाएगा उसके बाद आप जाकर उन्हें सॉरी बोल देना, आपकी सारी तकलीफ जानकर वो आपको माफ कर देंगी। आप इसे पकड़ो। टेंशन मत लो, सब अच्छा होगा। सोई नहीं अभी? मुझे नींद नहीं आ रही थी। नर्स अभी इंजेक्शन देकर गई है मुझे। मुझे नहीं लगता मैं सो पाऊंगी। मुझे और एक डोज दे दो डॉक्टर। अरे ऐसा नहीं कर सकता। प्लीज डॉक्टर, किसी तरह मुझे सोना है। Coming. Thank you.
सॉरी। डॉक्टर डॉक्टर मेरे पास बैठिए, आई एम सॉरी, आप शादीशुदा हैं, मैं नहीं जानती थी। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए डॉक्टर। माया एक्चुअली आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है, आई एम सो सॉरी। I'm sorry for coming in your life. I'm sorry for the coming your life. Oh my God. This is Dr. Arun, Oncology Department. Yes, doctor. Hi, I'm not feeling well. I'll be on leave for 2 days. Kindly inform the HR department. Okay, doctor. I will do that. Okay. Okay. Thank you. Rajshree. सच कहूं तो मेरे बर्थडे का गिफ्ट मुझे इस तरह मिलेगा कभी सोचा नहीं था। मुझे सरप्राइज देने के लिए इतना महंगा गिफ्ट खरीदेंगे मैंने कभी सोचा भी नहीं था। सच कहूं तो मुझे भी नहीं लगा था, लेकिन ये तुम पर अच्छा लग रहा है। तुम चाहो तो कुछ और ले लो। पहले तो मैं भी इस तरह का नेकलेस पहनकर बहुत उछल रही थी पता है एक दिन, फिर मैं दुकान में गई तो पता चला कि वो फुटपाथ से खरीदा हुआ है। हमारा डायमंड स्पेशलिस्ट है, अपना नेकलेस दे दीजिए। गुड मॉर्निंग सर। हाँ क्या हुआ सर? इनका एक शक है, ये नेकलेस ओरिजिनल है या नहीं तो चेक कर लो ना। मैंने चेक किया सर, ये ओरिजिनल डायमंड नेकलेस है। इसमें तो लेंडर शोरूम का ट्रेडमार्क भी है। लो दिखाओ। ये तो हमारा प्राइड कलेक्शन है, लिमिटेड एडिशन। इसकी कीमत क्या होगी? अगर इंडियन करेंसी के हिसाब से देखेंगे तो ये कम से कम 70 लाख का होना चाहिए।
इसका मतलब इस नेकलेस में बहुत बड़ी कीमती चीजों का इस्तेमाल किया गया। अब तो आपका शक खत्म हो गया ना? अब आपको कोई शक नहीं होना चाहिए। खुश है ना आप? आज तो बहुत ही मजा आया। आप लोग बैठिए ना, मैं अरुण को देखकर आती हूँ। थैंक यू अरुण जी, इतना सुंदर गिफ्ट देने के लिए। इसे तुमने कब निकाला? आपने मुझे सरप्राइज देने के लिए इसे छिपा रखा था, मैं समझ गई। क्या हुआ, हॉस्पिटल नहीं जाना? नहीं, आज छुट्टी ली। सभी रिश्तेदार बाहर बैठे हैं। विमला बुआ, ओमना मामी, पुष्पा दीदी, मीना चाची सभी आए हैं। अरे सब लोग मिलकर यहाँ क्यों आए हैं? पता है, इंडियन एसोसिएशन के मीटिंग में फैसला हुआ है कि मैं भरतनाट्यम करूंगी। केंद्र मंत्री और बड़े बड़े वीआईपी लोग आने वाले हैं। वो सभी लोग यही बताने आए हैं। अगर आप थके हो तो कोई बात नहीं, मैं उन्हें यहीं बुलाती हूँ। रुक आंटी, आप लोग यहीं आ जाइए, अरुण थका हुआ है। आहा, जरा अरुण को तो देखो, क्या आराम फरमा रहा है। डॉक्टर लोग भी बीमार होते हैं क्या? देखो अरुण, शादी हो गई है, इसका मतलब ये नहीं कि राष्ट्रीय के टैलेंट को हम बढ़ावा ना दे। इंडियन एसोसिएशन के प्रोग्राम में अगर डांस करने को मिले तो ये तो बहुत बड़ी बात है। हमारी राष्ट्रीय तो है ही टैलेंटेड। मेकअप, कॉस्ट्यूम, प्रॉप्स, सभी की शॉपिंग करनी है। हम कम से कम 20 दिरहम में काम चला लेंगे, है ना? इस प्रोग्राम से राष्ट्रीय को जो एक्सपोजर मिलेगा उसके सामने अमाउंट कम है। उसके बाद पार्टी में हम लोग सब मिलके डांस करने वाले हैं। एक बात बताऊं, लोग कहेंगे कि कला निकेतन के राष्ट्रीय के पति हैं डॉक्टर अरुण। रिहर्सल करने के लिए और प्रोग्राम को अरेंज करने के लिए कुछ कैश तो हाथ में चाहिए। बैंक के क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते वक्त बहुत बेइज्जती हुई थी हम लोगों की। हाँ। आगे से कोई भी यहाँ दिखाई मत देना। गेट आउट। गेट आउट। हाँ, चलो जो जी। दुनिया में इतनी सारी लड़कियां थी, सबको छोड़कर इस बंदरिया से शादी करने की नौबत आ गई। वेणु भाई से मिलना है। कैसे हो भाई? क्या हुआ, तुम्हारी गाड़ी कहाँ है बेटा? कोई कंप्लेंट है क्या? गाड़ी के लिए नहीं, कंप्लेंट मेरी है। इंजन और गियर बॉक्स पूरा बिगड़ चुका है वेणु भाई। आज का काम खत्म करके हम एक साथ जाएंगे। मैं भी आ रहा हूँ कैंप में। हम सबको साथ मिले बहुत दिन हो गए ना। होने दो ना, आज चंद्रा भाई के घर का मुहूर्त था गांव में, उसी की एक पार्टी है चंद्रा भाई की तरफ से। हो सकता है दारू वारू भी हो वहाँ पे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? इसमें प्रॉब्लम क्या है? सबको मुझे बचाने की जरूरत नहीं है। तुम जब यहाँ तकलीफ में थे तो मैं मौज मस्ती कर रहा था। वैसे तो एक डॉक्टर भगवान का रूप होता है, पर मैं नालायक हूँ। कर्जा लेके मैं लोगों को धोखा देता रहा, जरूरत पड़ी तो मारा भी, बहुत पीटा, बेरहम बना मैं, अच्छा इंसान नहीं हूं मैं। Ha 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 ha.
सॉरी विनु भाई, कल रात मैं पीकर कुछ ज्यादा ही भूल गया। कोई बात नहीं बेटा, इतनी बड़ी प्रॉब्लम तुम अपने दिल में लेकर के जी रहे थे बेटा, कम से कम एक बार मुझे बताते तो सही। कल रात को जिसने पार्टी दी थी उस चंद्रा भाई ने 27 साल इसी दुबई में रहकर के बहुत मेहनत की है उसने, और अब जाकर के उसने 3 एकड़ जमीन खरीदी है गांव में। मुझे भी यहां पे आए लगभग 19 साल बीत चुके हैं, मैं भी मजे कर सकता था बेटा, मन तो होता ही है ना बेटा, लेकिन गांव में रोज के रोज जब पैसों की दिक्कत से जूझते हुए लोग याद आते हैं ना बेटा, तो दिल भर जाता है बेटा, लेकिन सब कुछ भुलाकर यहां काम में व्यस्त रहा दिन रात। मेरे बुरे दिनों में मदद करने वाली तुम्हारी मां सुशीला ही रही है बेटा, मैं उनका एहसान कैसे भूल सकता हूं। जब तक तुम यहां पे हो तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी बेटा, ये मेरा वादा है बेटा तुमसे। अरे विनु भाई, मेरी जो परेशानी है वो आप ठीक नहीं कर सकते। अब तुम्हारे ऊपर बैंक का जो सारा कर्ज है उसे चुकाने की औकात तो मेरे में नहीं है बेटा, लेकिन कोशिश करूंगा जो कुछ मदद हो सकती है मुझसे। क्या हुआ, नहीं हुआ ना? अब बेटा नहीं हुआ ऐसा तो नहीं कह सकते, सब कुछ ठीक करने में लगभग 18 महीने लग जाएंगे बेटा। अब लोन ठीक से नहीं भरा ऐसे कस्टमर को जेल भेजने में बैंक ज़्यादा दिलचस्पी नहीं लेती, लोन अमाउंट पर बैंक को डिस्काउंट देकर सेटलमेंट करना चाहती, और इस समय बैंक में वो स्कीम चल रही है बेटा। हाँ? लोन के जो भी पैसे बचे उसे 18 महीने के अंदर चुका दो बेटा, और इसके पहले का जो भी पेमेंट था ना बेटा उसे मैंने चुका दिया है, यह है रसीद, बस आराम से थोड़ा थोड़ा करके चुका देना है पूरा। ये कैसे हो सकता है? मेरे जितने वर्कर्स थे उनकी 1 महीने की तनख्वाह से ये सारी किस्तें मैंने चुका दी है, बस अगले महीने से बिना चूके इन किस्तों को चुका देना, और देखो अगर आगे से गलती की तो परेशानी बढ़ सकती है बेटा तुम्हारी। आप कल पूरी रात कहाँ थे? हॉस्पिटल में इमरजेंसी केस था, सॉरी कल बोलना भूल गया, कॉल करना चाहिए था। तुम चाय बना दो, मुझे काम से बाहर जाना है, मेरे वापस आने से पहले तुम तैयार रहना, फिर साथ कहीं घूमने जाते हैं। मैं चाय बनाती हूँ। What happened? Sorry. It's okay. हाँ, तुम बीमार हो मैंने सुना। Are you okay? Yeah, I'm okay.
तुम जब यहाँ पर नहीं थे तो क्या क्या हुआ तुम्हें पता है? मॉर्फिन ओवरडोज की वजह से माया क्रिटिकल हो गई थी। उस वक्त ड्यूटी पर नर्स लक्ष्मी थी। इतनी इरेस्पॉन्सिबल, मैनेजमेंट ने उसे डिसमिस कर दिया। तो फिर माया? वो चली गई है। हाँ? ओवरडोज की कॉम्प्लिकेशन की वजह से वो मरने से बच गई, लेकिन गुस्से में वो हॉस्पिटल छोड़ के चली गई। मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की लेकिन वो नहीं मानी। उसने ये कहा कि हॉस्पिटल के ट्रीटमेंट से उसका भरोसा उठ गया है, पर मुझे यकीन नहीं होता। पहली बार मैंने माया को इस तरह बदले हुए अंदाज में देखा अरुण, इसलिए कह रही हूँ। एक बुझने वाला दीपक जैसे जोर से जलता है, ऐसा तेज था उसके चेहरे पर। मेरा राउंड का समय हो गया, तुम आज से ज्वाइन कर लो। नहीं, मैं कल आता हूँ। एक बात तो बोलना ही भूल गई, माया तुम्हारे और आश्रय के लिए कुछ गिफ्ट लेकर आई थी। उसने कहा था कि तुम राष्ट्रीय को ये दे देना। टाइम हो गया है, चलते हैं। लक्ष्मी, अनजाने में कुछ भूल हो गई हो तो मुझे माफ कर देना प्लीज। कहाँ जा रही हो? गांव जा रही हूँ। माया की वजह से अगर ये सजा मिली है तो कोई जरूरत नहीं, उसका जिम्मेदार मैं हूँ। हॉस्पिटल में सबके सामने बोल दूंगा। गांव वापस जाने का फैसला मैं कब का ले चुकी हूँ, ये तो बस एक बहाना बन गया है, दैट्स इट। जाना ही है? हाँ? यस। मैं ड्रॉप करता हूँ। नहीं, मैं टैक्सी से चली जाऊंगी। बैठो। लक्ष्मी, प्लीज डोंट कर्स मी।
मैंने तुमसे कभी नफरत नहीं की, तुम्हें कभी भूलूंगी भी नहीं। बाय। हेलो, क्या है ये सब? मेरे बैग में क्या रखा है तुमने? सामने से देता तो तुम नहीं लेती, इस वजह से बैग में रखा। एक बड़े लक्ष्य को अंजाम देने के लिए तुम्हारी माँ ने यहाँ भेजा था। तुम खाली हाथ यहाँ से नहीं जा सकती। बहुत कीमती नेकलेस है वो। तुम्हारे गांव के गरीब मासूम लोगों के इलाज के लिए जितनी जरूरत है उतना पैसा जमा करने की औकात उस नेकलेस में है। उसका जो पुण्य है वो मुझे नहीं चाहिए, वो अमानत किसी और की है। Ask you something? Yeah, sure. What makes you so detached from life? You think I'm detached from life? I love my life. I have no regrets about the past. I'm not anxious about my future. I'm living in the present. ब्यूटीफुल। सुनिए, ये नेकलेस मुझ पर कैसा लग रहा है? इस दुनिया में तुम्हारा सबसे ज्यादा लगाव इस नेकलेस से है। मतलब? मुझसे भी ज्यादा। क्या हो गया आपको? ऐसा क्यों बोल रहे हो? तुमने कभी इस नेकलेस से ज्यादा मुझसे प्यार किया है?